अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करती हूँ अपना रिएक्शन। अच्छा जनाब, सितारा का वीडियो तो देखा, लेकिन मैं सोच रही हूँ उस पर रिव्यू करूँ ना करूँ, क्योंकि इस पर जो रिव्यू करने का हक़ है ना, वो जो सितारा के शौहर नामदार हैं, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ मैं सितारा की वजह से रिस्पेक्ट देती हूँ और सितारा के हवाले से उनकी इज़्ज़त करती हूँ, अदरवाइज़ पूरी वाइटी जो है उनका तमाशा बना रही होती है, उनको बुरे बुरे नामों से पुकार रही होती है। मुझे याद है कि जब हस्बैंड सेकंड मैरिज था ना इनका, तो इनकी बहुत ट्रॉलिंग हुआ करती थी, लेकिन उस टाइम भी मैंने इनका कोई बुरा नाम अपने चैनल पर नहीं लिया था और इनको कभी भी बुरे नाम से मुखातिब नहीं किया था, क्योंकि एक रिस्पेक्ट थी ना। रिस्पेक्ट आपको तरबियत घर से मिलती है और वो तरबियत आप शो कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कभी जो है ये अपनी आप पर आ जाएं, अपनी औकात पर आ जाएं, तो मैं जो सारे एक कहते हैं ना लिहाज भुलाकर इनको बुरे बुरे नामों से पुकारना शुरू कर दूं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सितारा इनका हवाला है, सितारा इनकी पहचान है, इनको हम सितारा के रेफरेंस से जानते हैं। लेकिन क्या कहूँ मैं, यहाँ कुछ लोग हैं बहुत घटिया किस्म के, बहुत छोटे छोटे मिनी साइज़ के लोग हैं। बड़ा प्यारा सा शेर है कि खाक हो गए नगीने लोग, खाक हो गए नगीने लोग, औकात पा गए कमीने लोग। तो ऐसा ही है कुछ यहाँ पर जनाब, ढिटाई और कमीनगी की इंतहा है और बेशर्मी, वो तो आसमान सातवें आसमान पर इनके दिमाग पर चढ़कर बोल रही है। ढिटाई इतनी है, मतलब हैरान हूँ मैं देखकर। और जो मिस्टर हैं सितारा के, उनको शायद कि इसीलिए इन क्या बोलते हैं, मुतमईन बेगैरत दरबारी सपोर्टर्स हैं, क्योंकि ये इनको अपना दरबारी समझते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा अकीदत है, इसलिए कि ये ख़वातीन बहुत मेहनत कश हैं। एक तो अपने चैनल पर बैठकर बड़ी बड़ी लाइव्स करती हैं, रोती हैं, लोगों को इमोशनल करती हैं। एक्ट्रेस जो ठहरी है ना, एक टाइम का टैलेंट है इनके अंदर, नो डाउट, और उस टैलेंट को भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी करती हैं और आवाम को इमोशनल भी कर देती हैं, बावजूद इसके कि सारा कसूर इनका है। इतना विक्टिम प्ले करती हैं कि सीरियसली मुझे तो इनके पागलपने पर अफसोस होता है, इन पर तरस आता है कि हायर चैनल के लिए इतना भी कोई पागल होता है। खैर, बड़ी मेहनत कश ख़वातीन हैं, पहले अपने चैनल पर बैठकर झूठ बोलती हैं, ढिटाई की हद है, हदीसें सुनाती हैं, कलाम पाक की आयात सुनाती हैं, लोगों को डर दिलाती हैं और बोलती भी हैं कि बहुत डर लगता है, और जब से तौबा की है, तफसीर पढ़ी है कुरान की, बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। लेकिन मैं बड़ी हैरान हूँ कि अपनी नाक बचाने के लिए, अपना एक जो चेहरे पर मुखौटा है उसको बचाने के लिए कितना गिर गए, मतलब कितना और गिर गए और गिरते चले गए। लेकिन है ना, यहाँ पर जो सितारा के हस्बैंड हैं, वो इन दरबारी सपोर्टरों को, क्योंकि ये उनके सपोर्टर हैं, उनको संभालने के लिए, उनको दिलासा देने के लिए मौजूद हैं, और ये क्या बोलते हैं कि इसी तरह से ये ट्रॉल भी तो करवाते हैं ना, बड़ी इनकी ऑडियंस आती है लाइव में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सितारा घबरा भी जाती हैं कि इतनी बड़ी जो लॉट है उसको ये लोग सितारा के ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं। तो वेरी मच ऑब्वियस कि ये जो ख़वातीन हैं एक जैसी ज़हनियत वाली, और इनके नीचे जो इनकी मक्खियाँ भिन भिनाती रहती हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े पिछवाड़े लेकर, सोच रही हूँ एक एक मोमबत्ती में सबके डाल ही दूँ, बहुत ज़्यादा परेशान है मोमबत्ती को लेकर, और मुझे बड़ा मज़ा आएगा इनके अंदर मोमबत्ती घुसेड़ने में, क्योंकि बहुत हो गया, लिमिट इज़ द लिमिट ना। खैर जनाब, ये जो सपोर्टर्स हैं या जो भी कोई हैं, ये प्यारी किसकी हैं भाई, ये मुझे तो प्यारी बिल्कुल भी नहीं है, सितारा का मुझे पता नहीं। सितारा तो सबको रिस्पेक्ट करती हैं नो डाउट, और हो सकता है सितारा इनके साथ एक अपना जो डिनर है या एक इवेंट है वो भी प्लान कर लें, ये उनकी चॉइस है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करती हूँ, तो मैं इनकी बेगैरती और ढिटाई पर हैरान हूँ, बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। मैंने सोचा था सितारा के वीडियो पर रिव्यू दूंगी, लेकिन जो सितारा के मुग़ल आज़म हैं,
यानी सितारा ने उनके सर पर एक पगड़ी रखकर और उनको अबाया पहनकर ऐसा फील करवा दिया है कि वो वाइटी के बादशाह हैं, जहाँ पर उनका दिल चाहेगा। दनदनाते हुए अपने जो उनके वज़रा हैं, उनके सफ़ीर हैं, मुशीर हैं, हकीर हैं, सबके लिए यहाँ पर आ जाएंगे और ज़रा सा भी नहीं सोचेंगे कि बात करनी है कि करनी है। तो जो ये इनके सितारा के मुगले आज़म है ना, इनका सिर्फ कहना ये है कि जो इनकी मनपसंद ख़वातीन हैं वो सितारा 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 करें, उनको हक है सितारा 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 करने का, और सितारा सितारा भी करें और फिर सितारा का सितारा भी करें, मतलब अच्छे से सितारा को धोएं भी, सितारा के नाम पर कमाएं भी, सितारा के वीडियोस पर रिव्यूज़ भी दें, सितारा के पीछे बैठकर सितारा को अजीबोगरीब नाम से भी पुकारें, सितारा के ऊपर इल्जाम भी धरें। तो ये वो ख्वातीन हैं कि जिनकी क्वालिटीज़ की बिना पर जो इनके मोहतरम है ना, यानी सितारा के, वो इन ख्वातीन बहुत एडमायर करते हैं। मुझे लगता है जो ये भाई साहब हैं ये चाहते हैं कि जो सितारा है ना उनके हवाले से यहाँ कंट्रोवर्सी ख़त्म ना हो। बहुत लोग ये बात करते आए थे, बट मैं कहती थी कोई शौहर ऐसा कैसे सोच सकता है, लेकिन जब मैं इनका बिहेवियर देखती हूँ, मतलब हद कर दी इन्होंने आकर मुझे कहा कि कब तक सितारा सितारा करेंगी। अरे भाई, पूरी वाइटी सितारा सितारा कर रही है, रोज़ लाइव लगकर आप लोग ट्रॉल हो रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में आप सत्तू पी के सो जाते हैं। वैसे सत्तू जो है वो आपके घर में आजकल बहुत इस्तेमाल होता है, तो वो वाला सत्तू पी के आप सो जाते हैं और ज़िम्मेदारी जो भारी है वो डाल देते हैं मुतमईन बेगैरत ख़वातीन पर। अच्छा, मुतमईन बेगैरत ख़वातीन के लिए मैं कहूँगी, बहुत अफसोस है कि जब ये औरतें ट्रॉल हो रही होती थी ना, इनके अजीबोगरीब पास्ट को लेकर यहाँ लोग ताने दे रहे होते थे, अजीबोगरीब नाम रख रहे होते थे, सीरियसली बड़ा दिल दुखता था। बट मुझे लगता है दे डिज़र्व इट, जो कुछ इनके साथ हुआ ये डिज़र्व करती थी, और इसलिए इनके साथ ये तमाम तर मामलात हुए, क्योंकि अगर ये खुद अच्छी होती ना तो आज अपने अकीदतमंदों को मना कर रही होती कि हमारे नज़रिए का इख्तलाफ है, या हमारे आपस में कुछ इख्तलाफात हैं या चैट्स हैं जो भी हैं। इट डजेंट मीन कि आप जाकर किसी को ट्रॉल करना शुरू कर दो, और जिस लाइव में जाकर ये अपना बड़ा सा पिछवाड़ा लेकर बैठती हैं, तो उस लाइव के नीचे जो छोटा छोटा अपना पिछवाड़ा लेकर बैठी हुई इनकी छोटी छोटीज मोटी मोटीज होती हैं, तो अब वो इन्हीं की तरह जो बेगैरती है उसको प्रमोट कर रही हो है। तो सीरियसली मैं ये समझती हूँ कि जो सितारा हैं उनके लिए यहाँ पर जो उनके शौहर है ना, इस किस्म के जो नमूने यहाँ ऑन सोशल मीडिया हैं, अकल से पैदल जाहिल जो ख़वातीन है ना, उनको यहाँ पर वो प्रमोट करना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आता वाई सितारा माशाल्लाह इतनी एबिलिटी रखती हैं, उनमें इतने गट्स हैं कि वो अपनी व्लॉगिंग के दम पर आगे जा रही हैं। सितारा को किसी की नीड नहीं है, लेकिन जो ये मिस्टर है ना इनके, ये सितारा को मोहताज रखना चाहते हैं इन लोगों का। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको सितारा से डर है कि अगर सितारा इंडिपेंडेंट हो गई, अगर सितारा कॉन्फिडेंट हो गई, अगर सितारा जो एक डर सितारा के दिल में इन्होंने बिठा दिया है, उस डर से बाहर आ गई, तो फिर इनका क्या होगा कालिया, मतलब एक कड़ा हाथ इन पे भी पड़ जाएगा सितारा का, सितारा इनसे भी हिसाब ले सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि काउंट करती हैं, टाइम के साथ क्लियर हो रही हैं, आंखें खुल रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो पागल औरतें हैं ना, अकल से पैदल जाहिल, चैनल खोल के बैठ गई हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस जहालत है और ड्रामा है, क्योंकि फील्ड नौटंकी थी ना, तो वही नौटंकी डेली की जाती है और बहुत मेहनत करती हैं, और इस मेहनत से इंस्पायर हो जो सितारा के मिस्टर हैं,
वो कहते हैं सिर्फ इन्हें देखो और सिर्फ इन्हें हक है सितारा का नाम लेने का। और यस, जो सितारा के हेटर्स हैं उनके तो जो सितारा के मिस्टर हैं वो डाई हार्ट फैंस हैं, क्योंकि जितना वो सितारा को गंदा बोलते हैं उतना जो सितारा के मिस्टर हैं मेरे ख़्याल में उनको इत्मीनान मिलता है या उनके कान बंद हो जाते हैं कि जो हेटर्स हैं वो उनके बीवी बच्चों को किस तरह से ट्रॉल कर रहे हैं। तो अजब देश के गजब इंसान हैं ये, और गजब इंसान की अजब सपोर्टर्स हैं ये, जिनके साथ कनेक्टेड हैं और जिनकी हाथ में ना इनकी चाबी है। मैं हैं ये मतलब मोहतरम तो नहीं कहूँगी, मुतमईन बेगैरत पिछवाड़ा साइज़ ख़वातीन और अजीब गरीब ख़वातीन, क्योंकि ये लैंग्वेज जब दूसरों के लिए इस्तेमाल करती हैं तो दे डिज़र्व द सेम लैंग्वेज टू, इन्हें आप जनाब समझ नहीं आती। तो दैट्स द रीज़न ये इनकी चाबी घुमाती हैं और ये डग 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 करते हुए जिधर इनका सीन समाता है उधर चले जाते हैं। खैर जनाब, कैरी ऑन, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। सितारा की वीडियो पर रिएक्शन नहीं दिया, सितारा की वीडियो पर रिएक्शन का हक आपकी दरबारी प्यारी सपोर्टर्स को है, जो कि आपके करीबी सपोर्टर्स हैं, जो कि आपको पसंद हैं, तो आपने उन्हें अपनी सपोर्टर बना रखा है। और अभी भी आप आकर कह तो गए कि हमारा कोई सपोर्टर नहीं है, लेकिन गट्स रखते ना, हौसला रखते, अस्सलामु अलैकुम सिस्टर, इस तरह की बातें ना करें, ऐसी चैट की है तो फिर छोड़ देना मेरी वाइफ सितारा पर बात करना, क्यों कर रही हैं। लेकिन नहीं जनाब, कहाँ हौसला, डर जो बिठा के रखना है सितारा के दिल में, सितारा को इनका असीर जो बना कर रखना है। और जनाब क्या कहूँ मैं यहाँ पर, छोटी छोटी जो मोटी मोटी इनकी पोतियाँ हैं, नवासियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, बेबीज हैं, बड़े मुँह की छोटी मोटीज, पतली सूखीज, आड़ी टेढ़ी, सब जो हैं इन्हीं की तरह इनके नक्शे कदम इनकी जहालत के रंग में रंगी हुई हैं। तो आपको मुबारक, ये तमाम का तमाम लॉट, मेरा जब दिल चाहेगा इंशाल्लाह मैं सितारा की वीडियो पर रिएक्शन दूंगी, क्योंकि मुगले आज़म आप इन ख़वातीन के हैं, इतना याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।